वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप सिख संगतां दे सन्मुख हाजिर होए हां। अज 16 दसंबर, यह दिन सिख धर्म दे विच अपनी एक बड़ी वड्डी थां रखदा। यह दिन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां अते उन्हां दे प्यारियां दी बहादुरी दे नाल जुड़िया। 15 अप्रैल 1634 नूं अमृतसर शहर के उपर अचनचेत मुखलस खान के वलों हमला करके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की सपुत्री बीबी वीरो के विआह विच विघन पाया जाता है। सिख इस रोह के मारे मुगलिया फौज का एडा बुरा हाल करते हैं कि उन्होंने सिखा दे नाल लड़ी हुई पहली जंग दे विच बड़ी डाढ़ी हार का सामना करना। जो उन्होंने भरम सन वो एक बार सिखा ने तोड़ के रखते सी कि सानू हिंदुस्तान की धरती से ललकारन वाला कोई है नहीं। इस चीज़ का बदला लैण वास्ते जो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह मालवे के प्रचार वास्ते निकले तो नथाणे के लागे महराज पिंड गुरु साहब जी ने टिकाणा किया। दूसरे पास मुगलों ने अपने वालों कमर बेग, लला बेग, शमस बेग इन्हों फौज की अगवाई दे के तकरीबन 35,000 सैना दे के गुरु साहब पर हमला करने वास्ते। विद्वान पुरख लिखते हैं कि यह जंग 2 दिन चलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 15 तरीक में जंग प्रारंभ होता है। अचनचेत रात के हनेरे के सिख संगतों के उपर गुरु के फौजों के उपर मुगलों वालों हमला किया जाता है। गुरु के सिख सचेत ने इस हुए हमले के गुरु के सिखा ने डट के मुकाबला किया। तकरीबन 2 दिन जंग चलती है। इस जंग दे विच लला बेग भी मारिया जाता है, कमर बेग भी मारिया जाता है, शमस बेग भी मारिया जाता है। 5 इन्हां दे मुखी जरनैल सन, उन्हां नूं भी मौत दे घाट उतारा जाता है। इस जंग दे विच 1200 दे करीब गुरु के सिख शहीद हुंदे ने ते लगभग सारी मुगलिया फौज मारी जाती है। कई विद्वान पुरखां दा तां लिखणा यह भी है कि इस जंग दा सुनेहा देण वाला भी मुगलां नूं कोई सिखां ने नहीं छड्डिया सी। कारण इन्हां दे विचों कुछ कु मुगलों ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं ललकारिया, उन्हां दे उपर हमला करन दी कोशिश भी कीती। बाबा बिधी चंद जी वर्गियां ने कई दुष्टां नूं मौत दे घाट उतारिया। भाई जेठा जी ओह ते उन्हां दे सपुत्र भाई जती मल जी इह वी गुरमुख प्यारे इस जंग दे विच शहादत दा जाम पी के गए। इह सिखां दी ओह दूसरी जंग सी जिस जंग दे विच असामी लड़ाई कहा जाए तो कोई झूठ नहीं होएगा। एक पासे 35,000 फौज आ, दूसरे पासे करीबन तकरीबन 2200 सिख सैनिक ने जोड़े लड़न वास्ते ने। तो इन 2200 सिखा ने 35,000 का मुकाबला इन्ना डाढ़े रूप में किया। इन्नी सूरबीरता बहादुरी दे नाल लड़े कि एक बार फिर मुगलिया सरकार नूं ये चेते करा दिता कि तुहानू इस देश दे विच दबकाउण वाला, हराउण वाला, भजाउण वाला, मारन वाला कोई ना कोई गुरु का खालसा उठ पिया आ। ते तुसी ओ दिन डीको जदों ये गुरु का खालसा तुहाडे तो तुहाडा तख्तो ताज खो के पैरां दे विच लिया के रखेगा। सच ये गुरु के सिखां ने करके भी दिखाया। ये घटना अज दे दिन 16 दसंबर 1634 नूं महराज विच वापरी। गुरचुक दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।